क्या अब? मैं केवल छोटे बच्चों से प्रश्न पूछूंगा, फिर महिलाओं से पूछूंगा, और फिर जवान लड़कों से पूछूंगा, और फिर बुजुर्गों से पूछूंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो तुम्हारी काम की बात है। चलो नीचे बैठ जाओ, आओ नीचे बैठो आराम से। ऐसे कितने बच्चे हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बड़े होकर शराब पीना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। माय गॉड, कोई भी बच्चा नहीं पीना चाहता है। अच्छा बच्चों से दूसरा प्रश्न, शराब अच्छी है कि बुरी है? अच्छा तो जब टीवी देखते हो तो उसमें कोई लोग शराब पीते हैं तो क्या लिखा हुआ आता है? धूम्रपान शराब सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो मतलब बड़े होके आपको शराब नहीं पीना चाहिए, पक्का? अच्छा मान लो कोई शराब पीना चाहता है तो किस उम्र में जाके शराब पी सकता है? बुढ़ा होने की उम्र में। गलत जवाब। कोई और बताएगा कब शराब पी सकता है? कभी भी नहीं, ये भी गलत जवाब है। वो उम्र बताओ जिस उम्र को पार करने के बाद कोई व्यक्ति शराब पी सकता है। अठारह वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद, समझ गए? तो शराब कब पी सकता है? अठारह वर्ष की उम्र पार कर ले, क्लियर है? नाबालिग बच्चा कोई शराब नहीं पी सकता। तो पहली बात तो शराब पी दी नहीं, और यदि पीना है तो उसकी उम्र क्या है? अठारह साल के बाद, क्लियर? इससे पहले कोई नशा नहीं करना। अब ये माइंडसेट हो गया। अपनी महिलाओं से बात करूंगा, बिना शर्म के, बिना संकोच के, बिना लाज के वो हमारी माताएं और बहनें हाथ खड़ा करें जो शराब पीती है। अच्छा चलो चलो ठीक है, तुम वो पीती है, वो आदत डाली पीती है। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, इसका मतलब बहुत सारी हमारी माता बहनें हैं जो नशा करती है, मान लिया मैंने। अच्छा वो माताएं बहने हाथ खड़ा करें जो पाउच खाती है? सभी खाती हूँ। वो भी नशा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक दूसरे को हाथ मत दिखाओ, फोन पट्टी यानी खोलनी है, ठीक है? सबका नंबर आएगा अभी। तो मैंने मान लिया कि माताएं बहने वो भी